हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी ते। दोस्तों अज दी वीडियो च आपां वार्ड अटेंडर दे एग्जाम दे लई साइंस दे अति महत्वपूर्ण प्रश्न करांगे। फ्रेंड इस तो पहला असी वार्ड अटेंडर दे एग्जाम दे लई एक गेस्ट पेपर भी अपलोड किया होया है। उम्मीद करदा जी तुसी सारयां ने वो गेस्ट पेपर वाली वीडियो वेख ली होवेगी ते उसनों सोल्व भी कर लिया होवेगा। हाँ जी, उसकी आंसर की तुहानू अज शाम 8 बजे अपलोड कर दी जाएगी। जेकर किसी फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं वेखी तो अज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तुहानू उसका लिंक मिल जाएगा, उतों जाके तुसी वो गेस्ट पेपर वाली वीडियो जरूर वेखनी है। हाँ जी फ्रेंड, अज की वीडियो नू स्टार्ट करन तो पहला जेकर तुसी साडे चैनल पर पहली बार विजिट किया, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना ते नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो नू। हाँ जी, अपना फस्ट क्वेश्चन दिता होया है, मनुखी अंग विच चलण वाली क्रिया दसो। हाँ जी, चार ऑप्शन ने। फस्ट है जी दिल का धड़कना, सेकेंड ऑप्शन हैगा फेफड़ियां दा सांस लेना, थर्ड ऑप्शन हैगा जी दिमाग दा सोचना, ते फोर्थ हैगा उत्ते दिते सारे। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुसी इस क्वेश्चन दा ऑप्शन नंबर डी चुनते हो जी उत्ते दिते सारे तो तुहाडा आंसर है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, मनुखी अंगां विच चलण वालियां क्रियावां कड़ियां ने, दिल दा धड़कना, फेफड़ियां दा सांस लेना ते दिमाग दा सोचना, ये सारियां जिहड़ी मनुखी अंग विच चलण वालियां क्रियावां ने। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा जी, गुर्दियां विच निस्पंदन होण नाल शरीर विच की होवेगा। चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी शरीर विच पानी की मात्रा वधेगी, सैकेंड ऑप्शन हैगा शरीर विच जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन हैगा जी बहुत तेज बुखार हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी फ्रेंड, गुर्दियां विच निस्पंदन होण नाल शरीर विच की होवेगा, तो शरीर विच जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुखी शरीर नू भोजन की लोड़ क्यों हुंदी है। हाँ जी, चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी सोण लई, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी शरीर विच पानी की मात्रा वधाउण लई, थर्ड ऑप्शन हैगा सेलां ते टीशुआं दे कार्ज लई, ते फोर्थ हैगा जी ए सारे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साडे शरीर नू भोजन की लोड़ क्यों हुंदी है जी, सेलां ते टीशुआं दे कार्ज लई। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता होया है क्वेश्चन नंबर 4, एक चंगी सेहत लई की चाहिदा है। फस्ट ऑप्शन हैगा जी समुदायिक सफाई, सैकेंड ऑप्शन हैगा भोजन, थर्ड ऑप्शन हैगा जी चंगी स्थिति, फोर्थ हैगा जी आर्थिक स्थिति, ते फिफ्थ हैगा जी ये सारे। हाँ जी, एक चंगी सेहत लई सानू की कुछ चाहिदा जी, समुदायिक सफाई होनी चाहिए है, चंगा भोजन होना चाहिए, चंगी स्थिति होनी चाहिए है, तो आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, बोधित आराम अते असुविधा की है। चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी अनुवंशिक रोग, सैकेंड ऑप्शन हैगा दीर्घकालीन रोग, थर्ड ऑप्शन हैगा जी रोग का दूसरा नाम, तो फोर्थ हैगा जी छूत का रोग। हाँ जी, बौद्धिक आराम अते असुविधा किनू कहा जाता जी, ये रोग का दूजा नाम हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का अपना जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, रोग का दूसरा नाम। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर दीआं क्रियावां विच बदलाव की दर्शाउंदे हन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा जी, साडे शरीर विच क्रियावां दा बदलाव की दर्शाउंदा है। फस्ट ऑप्शन हैगा चंगी सेहत, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी शक्ति, थर्ड ऑप्शन हैगा जी रोग दे लक्षण, ते फोर्थ हैगा आलस। हाँ जी, साडे शरीर दीआं क्रियावां विच बदलाव होना की दर्शाउंदा जी, कि यह है जी रोग दे लक्षण। ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता होया अपना, हेठ लिखियां विचों किहड़ा रोग वायरस नाल हुंदा है। चार ऑप्शन ने। फस्ट हैगा जी खांसी, सैकेंड ऑप्शन हैगा जुकाम, थर्ड ऑप्शन हैगा जी हिजा, इतने ऑप्शन लिख देना जी ए फस्ट ऑप्शन हैगा, ए थर्ड ऑप्शन हैगा,
ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਆਮ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਉੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਛਣ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਲਿੰਗੀ ਛੂਤ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ? ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿੰਗੀ ਛੂਤ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ? ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ, ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।